आज की क्लास में कहां से शुरू करूंगा? आपको मैंने लास्ट में कुछ होमवर्क दिया था, आपको याद होगा। होमवर्क के प्रश्नों को करें इससे पहले कि मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करूं। ये कुछ प्रश्न आपको दिए थे मैंने, 15 क्वेश्चंस करा दिए थे, लास्ट मैंने 15वां कराया था। इसके बाद ये 16 से स्टार्ट होना था, लेकिन मैंने इसको दिया होमवर्क कि आप इसको करके रखिएगा। आज मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको अनदर जो एक्स्ट्रा है मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आइए उन एक्सप्लेनेशन के साथ इन प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। सभी लोग ध्यान से सारी बातों को समझने की शुरुआत करें आज के सेशन में। हमने कहा जब हम रेशियो बनाते हैं तो रेशियो के लिए अपने पास अगर दो वैल्यूज हैं, ए है और बी है, ठीक है, ए और बी है, इनके किसी दो समान प्रकृति समान नेचर के वैल्यूज को मात्राओं को मान को हम कंपेयर करते हैं, चाहे उनके भार हो, चाहे उनकी सैलरी हो, चाहे उनके अंक हो, कुछ भी हो, हम लोग को कंपेयर करना होता है। अगर इस कंपेरिजन के दौरान हम दो वैल्यूज के बीच, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ए और बी अपने पास दो टर्म है, इनको लेकर के हम एक कंपेरिजन करने जा रहे हैं, एक हम लोग यहाँ पर तुलना करने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, इसी से रिलेट कैलकुलेशन सेट होंगे और उन्हीं से सारी चीजें आपको डिक्लेयर होती दिखेंगी। मैंने कहा अगर दो लोगों के बीच ए और बी है और इनका अनुपात सपोज करिए एक नंबर में आया, मे बी इट इज 2:3, मतलब यहाँ पर 2:3 है। सिंपली बताया जाता है कि ए का अनुपाती भाग 2 है, बी का अनुपाती भाग 3 है। जब किसी कैलकुलेशन में, किसी तुलना में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसी मान को, तो ए को 2 भाग मिलेगा और बी को 3 भाग मिलेगा, जो एक तुलना कंपेयर किया। मान लीजिए हमने कहा कि ए और बी का जो अनुपात है, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि हम लोग सिंपली दो टर्म ले रखे हैं, दो टर्म में रेशियो अगर ए टू बी है, जैसे हमने वैल्यू की बात करी थी, हम उस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करें, ए का भाग 2 था, बी का भाग 3 था, उसी प्रकार से ए का भाग यहाँ पर ए है, बी का भाग बी है, ये पहली स्थिति हो गई। मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी होती, 1/a 1/b, अगर इस प्रकार का रेशियो बनता, फ्रैक्शनल बनता, ठीक है, आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल अगर कभी दिख रहा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, अर्थात मैं इसको बी अनुपाते ए लिख सकता हूँ। मैंने कहा कि ए और बी, अब इसके एग्जाम्पल आप समझिएगा तो क्लियर होगा। मैंने कहा ए और बी, या ऐसे मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूं रेशियो के फॉर्म में, ए अनुपाते बी अगर दिया है 1/2 / 1/3, तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 3/2 के रूप में, मतलब 3 उधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि मतलब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, बी उधर गया और ए इधर गया। तो ऐसे कभी अगर जरूरत पड़ जाए, सपोज करो हमने कहा कि पी टू क्यू है, मान लीजिए हमने कहा 1/5 है अनुपाते 1/7 है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, 7/5, मतलब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। प्रॉब्लम देखो कहां से होती है, आपको समझ में आएगी चीजें। प्रॉब्लम कुछ ऐसे होगी, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर मान लो यही पद 3 होते और तब ये वैल्यूस आपके सामने दी गई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो चीज क्लियर हो, 1/2 / 1/3 / 1/4 है। अब आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब अभी तक दो ही टर्म थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1/2 / 1/3 है, 3/2 किया, लेकिन अगर सपोज करो एबीसी है 1/2 / 1/3 / 1/4, अब क्रॉस नहीं कर सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करें, नहीं, आपको ऐसी कंडीशन में इनका एलसीएम लेना पड़ता है, इनका लासा लेना होता है। 2, 3 और 4 के लिए एक ऐसी संख्या सोचनी पड़ती है जो कि तीनों से कट जाए, तो सपोज करिए वह संख्या हो गई 12, एलसीएम भी मत सोचिए, ऐसी संख्या सोचिए। नियम होता है डिनोमिनेटर से भाग करते हैं, 2 से इसको भाग करिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, 6 हो गया, 3 से भाग करिए, 4 हो गया, 4 से भाग करिए, 3 हो गया, तो इसका जो रेशियो बनेगा 6, 4 और 3 का, 12 सभी में है तो 1/12 सबसे एलिमिनेट हो जाएगा, तो 6, 4, 3 का अनुपात बन जाएगा। इस प्रकार से अगर और कोई नंबर आपके सामने, सपोज करो हमने कहा P:Q:R है, मान लीजिए हमने कहा कि 1/5 है, 1/3 है, 1/2 है, मैं आपसे यहाँ पर पी क्यू आर का अनुपात डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग जितने लोग कर सकते हैं प्लीज कमेंट करके आंसर बताएं, और यहाँ से हम एकदम बेसिक फॉर्म में चलते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरे सेशन को आप इन तक देखेंगे तो बहुत कुछ काफी क्लियर होगा आपको जी। क्या सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है? मुझे लगता है कि सारी चीजें कन्फर्म है और कंटिन्यू आप कर रहे हैं। 5, 3 और 2 का एलसीएम सोचिए, 5 × 15 = 30 ले लीजिए, 5 से इसको डिवाइड करिए 6 गया, 3 से इसको डिवाइड करिए 10 गया, 2 से इसको डिवाइड करिए 15 गया, तो इसका जो रेशियो बनेगा 6, 10 और 15 का बनेगा, 6, 10 और कितने का बनेगा, 15 का अनुपात बनेगा, आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में आया। तीसरी चीज यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कभी ऐसे लिखा हो, मान लीजिए ध्यान से देखिएगा,
जैसे लिखा हो सपोज करो कि एक अनुपाते एक बटे ए है, एक अनुपाते एक बटे ए है, मैं इसको क्या प्रेजेंट करूंगा बताइए, ए अनुपाते एक प्रेजेंट करूंगा, इधर चला जाएगा ऐसे रह जाएगा, ए अनुपाते एक हो गया। जैसे सपोज करिए एक बटे ए अनुपाते एक है, तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं एक अनुपाते ए, मतलब इसको आप इधर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा, इससे भी रिलेट कर जाएगा, जैसे कभी ऐसी जरूरत पड़े तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन को और हम आगे बढ़ाएं, मैंने कहा अगर सपोज करी ए बाई बी रेशियो सी बाई डी दिया है, ए बाई बी रेशियो सी बाई डी दिया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए डी रेशियो कितना होगा बीसी होगा, ए डी रेशियो बीसी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है अगर सपोज करो दो बटे तीन रेशियो तीन बटे पांच, मैं इसको प्रॉपर बनाऊं तो कैसे लिख सकता हूं पता है, आप इसको पांच को दो से मल्टीप्लाई करिए दस होगा, और तीन को तीन से मल्टीप्लाई करिए नौ होगा, कंफर्म हुई बात है। इसी प्रकार से और देखिए, मैंने कहा अगर तीन बटे चार है और पांच बटे दो है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी करने को देखो ऐसे ही करा जा सकता है जैसे आपको बता रहा हूं, दो को तीन से करें चार को पांच से करें, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशंस आए, कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको यहां पर लगे कि नीचे नीचे कुछ संख्याएं कट रही हैं, आपस में कैंसिल हो रही हैं, आप बिल्कुल काट दीजिए, दो एक के दो, दो दूना चार, दो को अब इससे मल्टीप्लाई करें एक को इससे मल्टीप्लाई करें, तो तीन अनुपाते दस हो जाएगा, तीन अनुपाते कितना होगा दस। और एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा अगर सपोज करो लिखा बारह बटे सात, बारह बटे सात अनुपाते, बारह बटे सात अनुपाते, मान लीजिए लिखा छत्तीस बटे चौदह, आपको इसको प्रेजेंट करना है, कभी इस तरह के नंबर आपके सामने आए तो आप जरूरत के हिसाब से जैसे इसको ऐसे काट सकते हैं, बारह एक के बारह, बारह तीन छत्तीस, सात एक के सात, सात दूना चौदह, दो इधर कर दीजिए, तीन इधर कर दीजिए, इसको दो अनुपाते तीन प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस तरह का प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, नंबर्स को लिख सकते हैं, मतलब काटने पर भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर का बगल बगल कैंसिलेशन इसके साथ के बगल बगल का कैंसिलेशन हम लोग सिंपली बना सकते हैं, इसमें हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दो का अगर हमने किया तो हम तीन का भी कर सकते हैं, तीन का कैसे कर सकते हैं आप समझिए, तीन का कुछ ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करो लिखा है कि दो बटे तीन है, अनुपाते तीन बटे पांच है, अनुपाते चार बटे दो है, सपोज करो चार बटे दो क्या करेंगे क्योंकि कैंसिल ही हो जाएगा, तो चार बटे अगर हमने इसको भी तीन कर दिया, अब आपको अगर इसको प्रॉपर मतलब इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तीन पचे कितना होगा पंद्रह, तीन से इसको डिवाइड करिए पांच, पांच दोना कितना होगा दस, पांच से डिवाइड करिए तीन, तीन तिया कितना होगा नौ, नियम यही होता है हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि आप डिनोमिनेटर से भाग करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन पचे पंद्रह, पांच चौके बीस, तो आपका जो रेशियो बनकर आ रहा है कितना आ रहा है बताएं, दस अनुपाते नौ अनुपाते बीस, ये आपका रेशियो बन जाएगा, दस अनुपाते नौ अनुपाते बीस होगा। आप बिल्कुल बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है बताएं, वीडियो प्रॉपर चल रहा है मेरे ख्याल से तो चल रहा है, बाकी सभी लोग देख ही रहे, निश्चित तौर पे चल रहा है, आप अगर जैसे कहीं किसी ऐसी पोजीशन पे जहां नेटवर्क नहीं है तो आप नेटवर्क सही करिएगा, वीडियो प्रॉपरली चल रहा है ठीक है, इधर से तो वीडियो के लिए कोई इशू नहीं है, आप लोग प्रॉपर देखिए। बैस को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉलिंग नंबर पर और सिस्टम में या इंस्टीट्यूट पे बात करेंगे तो बैच की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गई बातें, चलिए इतना समझ में आया होगा, कुछ और चीजें समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर मैंने लिखा एक अनुपाते एक बटे दस, थोड़ा इसको प्रेजेंट करके बताइए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक अनुपाते एक बटे दस अगर लिखा है इसको हम प्रेजेंट करते हैं कैसे, ऐसे दस उधर जाएगा या दस अनुपाते एक हो जाएगा, क्लियर है। फिर इसी तरह से अगर सपोज करिए मैंने लिखा एक बटे सौ अनुपाते एक, आप इसको क्या प्रेजेंट करेंगे बोलिए, एक अनुपाते क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा, एक अनुपाते सौ होगा। फिर देखिए अगर मैंने लिखा एक अनुपाते जीरो पॉइंट वन, एक अनुपाते क्या लिखा है जीरो पॉइंट वन, आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप दशमलव का थोड़ा सा समझ रहे हैं यहाँ पर सेंस क्या होता है, दशमलव के हिसाब से भी जा सकते हैं, जैसे इसको एक ही रहने दीजिए बट इसको आप दशमलव हटाएंगे तो एक बटे आपको दस करना होगा, तो दस इधर जाएगा दस अनुपाते एक हो जाएगा, दस अनुपाते क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। और भी नंबर देखिए आप लोग, जैसे हमने लिखा जीरो पॉइंट वन रेशियो जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन, इस तरह से हमने बना दिया, अब आप इसको कैसे बना सकते हैं इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां पर देखिए रेशियो ये लगा है, ये दशमलव एक अंक पे है दशमलव दो अंक पे है, दशमलव को आप बराबर करिए, बराबर कैसे, जैसे दो अंक पे लगा तो आप यहां भी एक जीरो बढ़ा दीजिए,
अब दशमलव दोनों के खत्म हो जाएंगे। अब दशमलव जैसे दोनों के खत्म हुए, 10:1 हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10:1। फिर देखिए, जैसे हमने लिखा 0.001 रेशियो 0.10, बस सिंपली इतना लिखा हमने, 10 लिखा। दशमलव यहां पर तीन स्थानों पर है, यहां पर कितने हैं, तीन, यहां पर दो, इसका भी एक जीरो बढ़ा के तीन कर दीजिए, इसका गायब हुआ, इसका गायब हुआ, 1:1 कितना हो गया, 100 हो गया। दशमलव का भी नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ऐसे रेशियो जनरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जहां पे ऐसी आवश्यकता हो क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा, ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब कुछ चीजें इससे रिलेट करके आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा, जैसे रेशियो रिलेशंस की बात मैं कर रहा हूं, तो रेशियो रिलेशन को लेकर आगे बढ़िए थोड़ा सा, आप हेडिंग करिए जो अगला पार्ट है इसका, रेशियो रिलेशन, मतलब हमारे पास, मतलब अनुपाती संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अनुपाती संबंध। अर्थात आपको पता है कि अगर दो लोग हैं, दो कोई वस्तु है, दो कोई मान है, जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, अगर वो सेम सिमिलर नेचर के हैं, समान प्रकृति के हैं, उनका हम कंपेरिजन करने जा रहे हैं, कंपेरिजन हमने किया तो कई अलग अलग प्रकार से चीजें बनकर आती है अपने सामने। कैसे बनकर आती है, जैसे एक सिचुएशन आपके सामने सपोज करो आई, a बराबर b/2, ए बराबर क्या लिखा है, b/2। आपको शब्दों में भी चीजें लिख करके दिखाया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा क्या होगा a/b, क्या होगा a/b, ए बराबर कितना लिखा भैया, b/2। आपसे पूछा कि क्या होगा a/b, इसके लिए तरीका समझिए क्या लिखा जा सकता है। अगर हमें a/b/2 लिखा है, मतलब a जो है b का आधा है, a का पूरा मान b के आधे के बराबर है, तो आप अगर इसका कंपेरिजन, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते तो b को इधर लाना पड़ेगा आपको, तो यह a/b होगा। जब यह इधर गया तो यहां पर एक बचा, यहां पर दो बचा, वैल्यू कितनी हो गई बताइए, a/b 1:2 हो गया। कंफर्म हुआ, बिल्कुल। इसी तरह से अगर सपोज करो लिखा हमसे कि a का एक तिहाई बराबर b है, ऐसे लिखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि a/b बताओ कितना होगा, a/b का मान आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। चलिए कंपेयर करते हैं, निकालते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a/1/3 बराबर कितना है, b है। अब अगर हमको जैसे a/b बनाना है तो b को इधर लाना होगा, और ऐसी कंडीशन में 3 को उधर ले जाना होगा, मतलब a का एक तिहाई b के बराबर है, तो आप लोग इसको इधर लाओ तो a/b होगा, और उसको उधर ले जाएं तो 3/1 होगा। आप इसको लिख सकते हैं a/b किसके बराबर है, बोलिए, 3:1 के बराबर है, मतलब आप इसको कंपेयर करके ऐसा बता सकते हैं। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, आप लोग प्लीज बताइए सभी लोग, मैंने कहा a का आधा बराबर b का 1/4, a का आधा बराबर b का हमने क्या लिखा, 1/4। अब मैं यहां पर क्या पता करना चाहता हूं कि a और b का अनुपात बताओ क्या होगा, a और b का अनुपात बताइए क्या होगा। इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं कि a का आधा बराबर b का 1/4, a और b का हमें रेशियो फाइंड करना है, डिफाइन करना है, तो आप इसको लिख दीजिए a/2 = b/4। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। भैया a को इधर लाइए, 2 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, a/b होगा और 2/4 होगा, 2 × 1 = 2 होगा, 2×2 = 4, अर्थात a/b आपका 1:2 हो जाएगा। मतलब इस तरह के शब्द बनेंगे, और अभी आपको कंफर्म करके मैं दिखा भी रहा हूं, प्रश्न जब मैं कराऊंगा एग्जैक्टली तो आपको कंफर्म भी और समझ में सारी बातें आएंगी भी। और देखिएगा इन्हीं रिलेशंस में, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, थोड़ा सा आप लोग सजेस्ट करिएगा। हमने लिखा 2a/3b, अब मैं आपसे पूछ रहा, बोलो a/b क्या होगा, a और b का अनुपात बताएं कितना होगा। 2a/3b है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, a और b का अनुपात। इसको अगर थोड़ा सा रिलेट करिए अपने स्कूलिंग से, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे तो हमको तो याद है, मुझे भरोसा है आप सबको याद होगा, मैं तो अपने को रिलेट कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, 100% आपको याद होगा, जितने लोग सिंसियर है समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। और कभी भी जानते हो ना, मजबूती कब आती पता है, जब हम अपनी करंट सिचुएशंस को प्रीवियस से मैच करें, कंपेयर करें, हम ऐसे करते थे, आज वो चीजें हमारे लिए उस समय कितनी टफ होती थी, आज हम उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं स्कूल का बता रहा हूं कि आप कैसे करते थे, हम लोग, हम मानते थे, लिखते थे लेट 2a/3b/k, ऐसे मान लिया जाता था, मानते थे ना 2a/3b/k। मैं इसका बहुत आसान तरीका आपको भी स्पष्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग करिएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। इसका मतलब है कि 2a भी बराबर k है
और 3b बराबर भी क्या है, k है। हम लोग स्कूल में ऐसे करते थे। a बराबर कितना लिखा जाता था, k बटा 2, और b बराबर क्या लिखा जाता था, k बटा 3। स्कूल की तो अलग ही बात होती थी, क्योंकि आप सबको पता है कि वहां पर एक पन्ना भरना होता था, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता था, जो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी आप सब जानते होंगे। तो जो बड़े जो क्वेश्चन आते थे, जब तक हम पूरा पेज नहीं भरते थे, तब तक उसको माना नहीं जाता था पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेरा कहना है कि उस समय हम लोगों को पूरा पन्ना भरना होता था, आज अगर पन्ना भरेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ए अनुपात हमको बी करना है, जो होगा के बटा 2 अनुपात के बटा 3। देखो के के से इलिमिनेट होगा, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 अनुपात 2 होगा। मेरा ये बताना है कि जो जितने भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, मैं उसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, इसमें माना करिए जैसे आपसे जो प्रश्न दिया हुआ है आपको 2a बराबर 3b है। हम कोई भी प्रश्न पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं पदों का अपना एक कोफिशियंट है, गुणांक जिसको कहते हैं, इसका भी अपना एक गुणांक है। मतलब अगर हम a का डबल करते हैं और b का 3 गुना करते हैं तो जाकर के दोनों बराबर होते हैं। ऐसे में कभी भी हमको अगर इनके पदों का अनुपात फाइंड करना हो, आप हमेशा इनका उल्टा कर दिया करिए। उल्टा करिए, 2 लिखा है तो 2 का उल्टा 1/2 होगा, और 3 लिखा है तो 3 का उल्टा 1/3 होगा, और 2 पे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 उधर गया 2 इधर गया, तो रेशियो 3:1 कितना हो गया बोलो, 2 हो गया। हमेशा गुणांकों का उल्टा कर दिया करिए, रेसिप्रोकल कर दिया करिए। वीडियो भी है, अब आपको जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर जैसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको लेके करके दिखाता हूं, आप लोग कर सके तो प्लीज बताइए। जैसे मैंने लिखा 5a इज इक्वल टू 2b है, अगर मुझसे a और b का अनुपात पता करने के लिए किसी ने कहा तो बोलिए क्या होगा। 5a इज इक्वल टू अगर 2b है तो व्हाट अबाउट द a's टू b। यहां पर कुछ बातें तो डायरेक्ट भी सोची जा सकती, नहीं तो ऐसे करिए, इसको 1/5 करिए, इसको 1/2 करिए, 2 इधर गया, 5। अच्छा, इसी में नहीं, किसी में भी यही नियम लगेगा। जब जब a के कोफिशियंट और b के कोफिशियंट मेंशन होंगे, a अपने गुणांक के साथ होगा, गुणांक का बस उल्टा कर देना है। उल्टा करिए, 2 उधर गया, 5 उधर गया, 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। अब आप और देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने और लिखा, सपोज करो किसी में ऐसे लिखा है a बराबर, हमने लिखा कि 2/3b है, और मैं इस समय आपसे पूछ रहा हूं कि a और b का अनुपात बताएं क्या होगा। मैंने कहा भाई उल्टा कर दीजिए, जैसे इस समय a का गुणांक कौन है, कोई नहीं, 1 है, 1 उल्टा सीधा 1 ही होता है, और इसका आपको उल्टा करना पड़ेगा 3/2, ये इधर जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो लोग कर सके प्लीज कमेंट करके उत्तर बताइए। जैसे मैंने फिर लिखा, आप लोग कर सकते हैं तो उत्तर बताइए जरूर सभी लोग। मैंने लिखा कि बी बराबर 4/5 ए, बी बराबर 4/5 ए, बोलिए ए अनुपात बी क्या होगा, देखकर ध्यान से बताना है आप लोग को। बी बराबर 4/5 ए है, बी अनुपात नहीं, ए अनुपात भी आपको कंफर्म करना है, बहुत ध्यान से करना है, गलत ना होने पाए। चलिए, बी का गुणांक क्या है, 1 है, और ए का गुणांक क्या है, 4/5 है, क्योंकि हमको पहले a रखना है। a का उल्टा करें 5/4 होगा, b का उल्टा 1 है तो 1 ही रहेगा, 1/1 रहेगा, a इधर चला जाएगा, a ऐसे रह जाएगा, अर्थात 5:4 आएगा। कितना आएगा भाई, 5:4 आएगा। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, आई बातें समझ में। अब आप लोग फिर बताइए, जैसे कुछ और चेंजेस ऐसे बनकर आएंगे आपके सामने। सपोज करिए, मतलब ये तो चलो दो पदों पर हो रहा है, दो पदों पर हो रहा है, लेकिन इसके कुछ और सिस्टमेटिक और इजी टर्म्स भी होते हैं। जैसे हमने कहा कि a बटे 2 है और बराबर b बटे 3 है, a बटे 2 है बराबर b बटे 3 है, ऐसी कंडीशन में हम लोगों से a अनुपात भी बोल रहा है करने को, ठीक है। हालांकि ये इतना आसान होता है कि इसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाती है ना जब जो है हमारे सामने एक, जैसे अभी तो इसको हम ऐसे माने कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1/2a बराबर 1/3b, ऐसे लिख सकते हैं। अब गुणांकों का उल्टा करते हैं तो 2 होगा, और गुणांक का उल्टा करते हैं 3 होगा। देखिए क्या कोई चेंज है क्या, जो a के नीचे था वो पहले आ गया और b के नीचे था नीचे आ गया, कोई चेंज तो आया नहीं। सीधा सीधा मैं मानता हूं कि अगर यह a बटे b है तो 1/2a है, 1/3b/3 है तो 1/3b है, डायरेक्ट लिखा जा सकता है। जैसे और देखिए, सपोज करो हमको दिया गया p/5 बराबर q/2, मान लीजिए दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पी अनुपात क्यू, बताओ क्या होगा, वही क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे सीधा लिख सकते हैं। मैंने कहा ना इसका अर्थ क्या है, 1/5p है बराबर 1/2q है, आप पी अनुपात क्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए। उल्टा करिए, इसका उल्टा 5 होगा, इसका उल्टा 2 होगा,
कभी भी अगर आपको दो पद दिए हैं वेरिएबल के रूप में, उनके गुणांक आपको जो भी लगाए गए हैं उन गुणांक का बस उल्टा कर दिया करिए, उल्टा करिएगा ऑटोमेटिकली रेशियो बनता दिखेगा। ये तो चलो दो पद पे हुआ, तीन पद के भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। देखिए कैसे, जैसे आपको दिया गया कि 2a बराबर 4b बराबर 5c, अब आपसे पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c बताइए क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c आपको बताना है, डिफाइन करना है कि क्या होगा, कैसे कर पाएंगे समझिए। मैंने कहा कि इस हर कंडीशन में आपको उल्टा करना होगा, या जो दो है सिंपली एक बटे दो होगा, ये चार क्या होगा एक बटे चार होगा, पांच क्या होगा एक बटे पांच होगा, होगा कि नहीं, जो बता सकते हैं कमेंट करके बताइए इसका उत्तर। एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या सोचिए जो दो चार और पांच दोनों से कटे, वह संख्या यहां पर क्या होगा बीस होगा। बीस देखिए दोनों से कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से और पांच से, यहां पर चार तो वैसे भी दो से कट रहा है, चार पंचे बीस कर दीजिए, इससे भाग करिए कितना जाएगा दस बार, इससे भाग करिए पांच बार, इससे भाग करिए चार बार, तो आंसर कितना है बोलिए, दस अनुपात पांच अनुपात चार, ये राइट सोल्यूशन हो गया, आया ना। कौन कौन कर रहा है प्लीज आंसर देते जाइए, आगे देखिए और आप आंसर बताइए हमें। मान लीजिए मैंने लिखा कि पांच ए बराबर दो बी बराबर तीन सी, अब आप मुझे प्लीज बताओ ए बी सी का अनुपात बोलिए क्या होगा, एबीसी का अनुपात जो मैं बोल रहा हूं ना कोफिशिएंट का उल्टा करिए, प्लीज बताओ कोफिशिएंट का उल्टा करिए, पांच ए है तो एक बटे पांच लिखिए, ठीक है पांच ए है तो पांच एक बटे पांच लिखिए, एक बटे दो लिखिए, एक बटे तीन लिखिए, उल्टा कर दीजिए कोफिशिएंट का, क्योंकि यह पांच है तो पांच बटे एक होता है, उल्टा करेंगे तो एक बटे पांच होगा। एलसीएम देखिए कितना होगा, पांच दो ना दस या तीस होगा, तीस एलसीएम कर दिया, ठीक है पांच से डिवाइड करिए छह हो गया, दो से डिवाइड करें पंद्रह हो गया, और तीन से डिवाइड करिए दस हो गया, तो आंसर कितना आया छह पंद्रह और तीन दस आया, छह पंद्रह और दस आया, बिल्कुल सही है यस। अब देखो जैसे अब और समझिए, और समझिए, मान लीजिए मैंने लिखा ए बटे दो बराबर बी बटे तीन बराबर सी बटे चार, अब आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको बताना एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, चलिए बोलिए सीधा सीधा लिख दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें कुछ सोचिए ही मत, क्योंकि हमको पता है कि यह प्रश्न ऐसे है, मैं आपकी समझदारी के लिए बता रहा हूं, अन्यथा उत्तर तो दो अनुपात तीन अनुपात चार हो जाएगा, टू इंस टू थ्री इंस टू फोर हो जाएगा, बट मैं आपकी समझदारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसको लिखा कैसे जा सकता है, एक बटे दो ए बराबर एक बटे तीन बी बराबर एक बटे चार सी, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा जो कोफिशियंट लगा है जो गुणांक है गुणांक आप उल्टा करो, देखो मैं जो बार बार जो शब्द बोलता हूं उसकी अपनी एक मीनिंग है, दोहरा रहा हूं उस शब्द को बार बार कि कोफिशिएंट के साथ अगर टर्म आपस में इक्वल है, जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट मतलब जैसे ए लिखा है तो कितना ए है, पांच ए है कि चार ए है कि एक बटे दो ए है कि तीन बटे चार ए है, जो भी लिखा हो जैसे लिखा हो बस प्लीज उल्टा करो उसका, उल्टा करिए दो बटे एक होगा, तीन बटे एक होगा, एक चार बटे एक होगा, तो एक को कोई मतलब नहीं था, सीधा सीधा आप दो तीन और चार लिख सकते थे, सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि यहां पर आपको आंसर करने में कभी दिक्कत नहीं होगी ऐसे प्रश्नों में। और नंबर देखिए आप बताइए, और नंबर आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैंने लिखा ए बराबर एक बटा दो बी बराबर एक बटा तीन सी, प्लीज टेल मी द आंसर ए बी सी क्या होगा, कमेंट में देखना चाहता हूं। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू वन बाई टू बी इज इक्वल टू वन बाई थ्री सी, प्लीज टेल मी द आंसर, आंसर क्या होगा बोलिए जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका बताइए, कौन बता रहा है आंसर इसका समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं एलसीएम लेके, वही हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कितना आंसर आ रहा है इसका, दीपक ने बताया एक दो तीन, और कौन बता रहा है, दीपक सतीश मीरा वन टू वन टू वन इस टू टू इस टू थ्री चंद्रा एकेडमी इटा तीन दो एक बता रहे राखी एक दो तीन दीपक मौर्य एक दो तीन। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या है, ये एक है, क्या है एक है, उल्टा करिए एक बटे एक है, इसका उल्टा करिए दो बटे एक है, इसका उल्टा करिए तीन बटे एक है, तो सीधा सीधा आप आंसर बोल दो एक दो तीन है, एक दो कितना है तीन, कोई चेंज ही नहीं है, वन इस टू टू इस टू थ्री द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है कोई क्रास रास नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। फिर देखिए मैं आपको दे रहा हूं दो बटे तीन ए है बराबर बी है बराबर एक बटे चार सी है,
प्लीज टेल मी द आंसर. ए इज टू बी इज टू सी, आपको साफ साफ दिख रहा है 2/3 ए है और बी मतलब 1b है, लिखा नहीं रहेगा एग्जाम में, 1b है, दैट इज 1/4c है. तो हम लोग क्या करें, रिवर्स करिए, 3/2 करिए, और एक मतलब एक ही होता है, उल्टा सीधा एक समान होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात कभी होती नहीं है. 1:1 है और यह क्या है बोलिए, 1/4 है ना, 4/1 है. एलसीएम भाई 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा. 2 से डिवाइड करिए 1, 1 का 3 से गुणा करें 3, 1 का 2 से गुणा करें 2, ऊपर से कोई मतलब नहीं, मतलब हो ही जाएगा भाई. 1 का 1 से डिवाइड करें कितना होगा 2, 2 चौके कितना होगा 8. कितने लोग का आंसर आया 3:2:8, 3:2:8, दैट इज द राइट सोल्यूशन. यही इस प्रश्न का हल है. कैसे किया फिर देखिए, 3/2 किया, 1/1 किया, 4/1 किया, 2 एलसीएम हुआ, 2 से भाग किया 3 आया, 1 से भाग किया 2 आया, 1 से भाग किया 2 आया, बट 2 को 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 3:2 8 का रेशियो है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्लीज सॉल्व करें, सब लोग बताएं इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका मान क्या होगा. मैंने लिखा 5/2 ए है बराबर बी है बराबर सी है, a:b:c बताना है, ए और बी और सी का मान बताइए क्या होगा, ए बी सी का मान प्लीज बताइए क्या होगा, क्या आंसर आएगा इसका. बस सीधा सीधा ये 1 है, ये 1 है, इसका उल्टा करिए 2/5 है, इसका उल्टा करिए 1/1 है, इसका उल्टा करिए 1/1 है. 5 सिंपली एलसीएम होगा, 5 क्या होगा एलसीएम, एक 5 से 5 भाग होगा सीधा 2 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, 2:5 राइट सोल्यूशन होगा. 2:5:5 वेरी गुड रिस्पॉन्स. जितने लोग का आया है या सही आंसर आपका 2:5:5. देखो एलसीएम मत सोचिए अभी नित्या जी, एक ऐसी संख्या सोचिए जो प्रत्येक से कट जाए, क्योंकि एलसीएम जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर समझ में आएगा. आप ऐसे सोचा करिए ना, जो एक संख्या जो हो जो 5 एक और एक से कट जाए, तो चाहे उनका मल्टीप्लीकेशन सोच लिया करिए सभी का, या ऐसा नंबर जो कि आगे पहाड़े में कहीं मिल जा रहा है जो 3 से 4 से कट जाए, दोनों से कट जाए, कुछ ऐसा आपको दिमाग लगाना है, ऐसी चीजें सोचना है, तभी जाकर के चीजें आप लोग अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे. देखो ये कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, थोड़ा सा ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को, आप लोग आंसर इसका बता सके तो प्लीज बताइए. लिखा है यदि a इज इक्वल टू 3/2, ये कितना है 3/2 है, सब लोग सोल्यूशन करिए. b इज इक्वल टू 5/7 है, आपसे पूछा a:b बताइए. 3/2 लिखिए, अनुपात 5/7 लिखिए, कौन कौन कमेंट करके आंसर कर रहा है जल्दी बताइए. इसको आप इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें, 3 × 7 क्या होता है 21 और 2 × 5 क्या होता है 10, 21:10 है, कहां पर है बी ऑप्शन, 21:10 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है. आई बात है समझ में, सीधा लिख सकते हैं 21:10 दैट इज राइट सोल्यूशन. बहुत बढ़िया, मैं देखना चाहता हूं आपके कमेंट, आपके रिस्पॉन्स. अगर इतनी देर पढ़ा है जो चीजें समझ में आई है तो प्लीज हमें आंसर बताइए. पी का मान 1 सही 3/8 है, क्यू का मान 2 सही 2/4 है, हमें p:q बताना है, कौन बता रहा है कमेंट करिए, थोड़ा सा देखना चाहता हूं मैं आप लोग के रिस्पॉन्स. चलिए बताइए हमें प्लीज सभी लोग. p का मान हमको दिया है जो कि 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 11/8 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 11/8 लिख सकता हूं. यहां चाहे थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं, 1 × 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 अर्थात 2 × 2 = 5/2, मैं q के मान को क्या लिख सकता हूं 5/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं. अब आपसे पूछा p:q 11/8 है, रेशियो 5/2 है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर कैंसिल कर सके तो कर दीजिए, 2 × 8, 4 × 5 उधर जाएगा 20 और यहां पर बचेगा 11, 11:20 डी ऑप्शन है. कितने लोग का आंसर आया था, वेरी गुड, डी ऑप्शन आया था, दीपक का, धीरज का, दीपक का, चंद्रा एकेडमी, काजल का, राखी का, सभी का आंसर मुझे जो दिख रहा है 11:20 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स. सेकेंड का कितना आ रहा है 11:20, आप मुझे बताओ कौन बता रहा है. एक्स का मान हमको दिया है 5/4, ठीक है, वाई का मान दिया है 3/2 और जेड का मान दिया हमको 5/6. हमको एक्स वाई जेड पता करना है, x:y:z, ये 3 नंबर हैं, आप लोग तीनों को डिफाइन करिए और आंसर बताइए किसका मान एग्जैक्टली रेशियो में क्या बन जाएगा. बोलिए 5/4 है, 3/2 है और 5/6 है. भैया आपको एक नंबर ऐसा सोचना है
जो 4, 2 और 6 से कट जाए, मैं फिर नहीं कहूंगा एलसीएम लीजिए, एक संख्या सोचिए जो 4 से कटे 2 से कटे 6 से कटे। कीर्ति जी बिल्कुल आपका नाम लिया। हाँ ऐसी संख्या क्या हो गया, 12 हो गई। 12 कटती है ना, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 6 से भी कटती है। अब भर से भाग करिए, 4 3 12 3 5 15, मतलब इससे भाग करूंगा इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से भाग करिए 6 6 × 3 करिए तो 18 होता है। 6 से भाग करिए 2 2 5 10 होता है। 15 18 10 कहीं दिख रहा हो तो आंसर ले लीजिए, सी ऑप्शन, ये राइट सोल्यूशन। 15 18 10 दैट इज द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए हल है जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। होप सो समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि एक रीच रिस्पॉन्स हमारी बनी रहे और हम लोग प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब बताओ वही चीजें हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, उसी की प्रैक्टिस एक जनरल कर रहे हैं। क्वेश्चन आज भी मैं आपको सीट के फॉर्म में दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा, आप लोग उसको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करिएगा, जिससे कल इस पूरी सीट का प्रॉपर सोल्यूशन कराया जा सके, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, कुछ देर और प्रैक्टिस में लगी है। 2a = 3b = 4c, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए, आपको उल्टा करना चाहिए, जो 2 है ना उसको 1/2 लिखिए, 3 को 1/3, 4 को 1/4। एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 का अभी भी डिस्कस किया, हालांकि वो 6 था लेकिन फिर भी रिलेट करेगा 12। 2 से इसको डिवाइड करें 6, 3 से डिवाइड करें 4 और 4 से डिवाइड करें 3, 6 4 3 है, सी ऑप्शन है, 6 4 3 है राइट सोल्यूशन चौथे प्रश्न का, क्लियर हो गई बातें। 6 4 3 राइट सोल्यूशन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। इसका आंसर बताओ, 6a = 4b = 9c, एक अभ्यास एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। एबीसी हमको फाइंड करना है, a = b = c, कौन हमें इसका आंसर बता रहा है जल्दी बताइए, कौन बता रहा है, रिवर्स करिए रेसिप्रोकल करिए। 1/6 है, 1/4 है, 1/9 है। एक ऐसी संख्या सोच लीजिए जो 6 4 और 9 तीनों से कटे, 6 से कटे 4 से कटे और 9 से कटे, मेरे ख्याल से वो संख्या 36 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए, तो मैं 36 लिख दूं, हाँ लिख दीजिए। 6 से भाग करिए 6 बार गया, 4 से भाग करिए 9 बार गया, 9 से भाग करिए 4 बार गया, 6 9 और 4 का अनुपात है 6 9 and 4, दैट इज इन ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सोल्यूशन है, पांचवें प्रश्न का करेक्ट हल है, क्लियर होगी बात है। 6 9 and 4 इज द राइट सोल्यूशन। अब देखो थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे लिखा है x/4 = y/5 = z/9, अब मुझे बताओ एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा, x = y = z। सीधा सीधा लिखा जा सकता है क्या, ये 4 है नीचे, 5 है नीचे, 9 है, मतलब आप जानते कि सही में क्या है, 1/4 1/5 1/9, उल्टा करेंगे तो कोई चेंज आएगा नहीं, सीधा 4 5 और 9 ही रह जाएगा। भाई आप 1/4 सोच रहे हैं, 1/5 सोच रहे हैं, 1/9 सोच रहे हैं, उल्टा करिए 4 5 9, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन, 4 5 and 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, 3a = 6b = 9c, आपको बताना क्या है, एबीसी, एबीसी का रेशियो बताना है, कौन कौन बता रहा है बोलिए, उल्टा करिए 1/3 1/6 1/9। एक ऐसी संख्या सोचिए, भाई आप रिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, एक ऐसी संख्या सोचिए जो 3 6 और 9 तीनों से कटे, वह होगी 18। क्या होगी, 18, 3 से भाग करिए 6, 6 से भाग करिए 3, 9 से भाग करिए 2, तो 6 3 2 का अनुपात होगा, 6 3 2 का अनुपात होगा, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन क्या है, राइट सोल्यूशन है, आप लोग आंसर बता सकते हैं। फिर से देख लीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, 4/5 a है बराबर 3 b है बराबर 2/3 c है, मुझे बताना है एबीसी, एबीसी का रेशियो बताना है, कौन कौन बता रहा है कमेंट करिए, जैसा बता रहा हूं उसी तरह से ही आप प्रोसेस करिए, आप उल्टा करिए इसका 5/4 करिए, इसका उल्टा करिए 3/1 है 1/3 बनाइए, इसका उल्टा करिए 2/3 है 3/2 बनाइए। एक संख्या सोचिए जो 4 3 और 2 से कटे, 4 3 और 2 से कटे वह संख्या क्या ले सकते हैं, 12, वेरी गुड, 12 लिया, 4 से भाग किया कितना गया 3, 3 को 5 से गुणा किया 15, 3 से भाग किया 4 और 2 से भाग किया 6 6 × 3 18, 15 4 और 18 का रेशियो है, सी ऑप्शन, 15 4 और 18 का रेशियो है राइट सोल्यूशन, आप लगा सकते हैं,
सी ऑप्शन होगा कि बी होगा, हम कौन सा नंबर ले रहे हैं, आठवें का सी, आठवें का सी, बी वाले सुधार लें अपना, सी होगा करेक्ट आंसर, क्लियर, सी ऑप्शन। बोलिए अब देखो थोड़ी सी चीजें बदल रही हैं, अब स्वभाव बदल रहा है क्वेश्चंस का, नेचर बदल रहा है, हालांकि एक क्वेश्चन जब हम लोग उठाए हैं तो इसको करेंगे जरूर, लेकिन ये चीजें अब थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे 2a is equal to 3b है और 4b is equal to 5c है, हमसे पूछा a और c का रेशियो बता दो, a और c का मान बता दो, मतलब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, आप समझिएगा तो कंफर्म होगा। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट अबाउट a टू b, a और b का अनुपात क्या होगा, भाई उल्टा करते हैं हम लोग को तो वैसे भी कंफर्म है, कैसे किया जाता है, उल्टा करिए, दो है तो एक बटे दो, दो है तो एक बटे दो, और तीन है तो एक बटे तीन, इधर जाएगा इधर, अर्थात तीन अनुपाते दो होगा, मतलब ए और बी का रिलेशन क्या होगा, तीन और दो का होगा। ऐसे इधर अगर सोचे तो यहां पर लिखा जाएगा एक बटे चार और एक बटे पांच, मतलब बी और सी कितना हो गया, पांच और चार का अनुपात हो गया। ये अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है, कभी भी देखो इसके लिए एक पैटर्न थोड़ा समझ लीजिए, और यहीं से मैं अगली क्लास में शुरू भी करूंगा। जैसे आपको कभी तीन पद ऐसे दे दिए जाए ए बी सी, जब आपको रिलेशन पता है कि ए का बी से क्या है, जैसे हम ए बी से संबंधित कैसे हैं और बी सी से कैसे संबंधित है, मतलब आपको ए और बी का अनुपात पता हो, मान लीजिए दो अनुपात तीन है, या हम कोई वेरिएबल लेके दिखाएं तो समझ में आएगा, क्योंकि इसकी क्लास अगली क्लास में यहीं से एक्सप्लेन किया जाएगा। मान लीजिए यम अनुपात एन है, दूसरी तरफ बी और सी का भी एक रिलेशन है, सपोज करो बी और सी का एक रिलेशन है या पी अनुपात क्यू है, हम इसके लिए एक पैटर्न जानते हैं, हालांकि इस फार्मूले को आपको अप्लाई नहीं करना है। हम अगर कह दें कि हम डायरेक्ट ए और सी का रिलेशन करना चाहते हैं तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है कि ए बटे बी गुड़े बी बटे सी अगर कर दें तो यह ए बटे सी हो जाता है, अर्थात ए और सी का रिलेशन हो जाता है सीधा सीधा। जैसे आप एग्जाम्पल पे देखिए, मैंने कहा अगर ए अनुपात बी मान लो दो अनुपात तीन है, बी अनुपात सी मान लीजिए तीन अनुपात पांच है, या पांच अनुपात सात है, पांच अनुपात क्या है सात है। आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट अबाउट ए टू सी, तो ये होगा ए बटे बी गुड़े बी बटे सी, तो ए बटे बी का मान कितना है दो बटे तीन, और इसका मान क्या है पांच बटे सात, यह हो जाएगा दस बटे इक्कीस। सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ये प्रश्न आप कर रहे हैं तो मैंने कहा इसको तो अभी हम अगली क्लास से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए कि यह तीन बटे दो है, लिख दीजिए, और यह क्या है पांच बटे चार है, लिख दीजिए, तीन पचे क्या होता है पंद्रह, चार दुना क्या होता है आठ, पंद्रह और आठ का रेशियो है जो डी ऑप्शन में आपको दिया है, डी ऑप्शन पंद्रह आठ का रेशियो है जो कि ए और सी हो जाएगा यहां पर, क्योंकि आपको ए बी पता हो गया बी सी पता हो गया, पंद्रह आठ का रिलेशन बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, बदलेंगी, लेकिन हम लोग कर बड़े आसानी से लेंगे सारी चीजें, तो मैं अगली क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करूंगा। जो आपको होमवर्क दिया गया था, कुछ प्रश्न आपको पिछली क्लास में स्टार्टिंग में दिए गए थे, आप उनको भी ट्राई करिए, और उस हिसाब से जैसे मान लीजिए देखिए प्रश्न है, आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर लिए, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इस सब छोड़ा भी था अभी, ये देखिए जो अभी पढ़ा उसी से रिलेट करता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा पांच दस मिनट और समय दे रहे हैं ना आप लोग, कर लीजिए। तो हाँ बिल्कुल हमेशा उल्टा करना होगा। 427 रुपए हैं एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का तीन गुना मतलब थ्री टाइम्स, बी के भाग का चार गुना तथा सी के भाग का सात गुना परस्पर बराबर हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे पास कुल 427 रुपए हैं, तीन लोगों में बांटना है एबीसी में, लेकिन कंडीशन कैसे दी गया है कि क्या बोला है कि ए के भाग का तीन गुना थ्री ए, बी के भाग का चौ गुना फोर बी, सी के भाग का सात गुना आपस में क्या है बोलिए बराबर है कि नहीं। ए के भाग का तीन गुना तो थ्री टाइम्स ऑफ द ए इज इक्वल टू द फोर टाइम्स ऑफ द बी इज इक्वल टू सेवन टाइम्स ऑफ द सी, वी नीड टू डिवाइड दिस 427, इस 427 को बांटना है और मुझे सी का हिस्सा बताना है। तो सी का हिस्सा आप तब बता सकते हो जब सी का अनुपाती भाग पता हो, मतलब हमें ए बी सी अगर पता हो जाए तो मैं सी क्या बी क्या ए क्या जिनकी मर्जी उनको हम पता कर सकते हैं। इसके लिए एबीसी का रेशियो चाहिए जो अभी हम पढ़ के आए हैं, मुझे थोड़ा सा एबीसी का रेशियो आप लोग बता दो, बड़ा अच्छा रहेगा। कैसे बताते, उल्टा किया जाता है, एक बटे तीन, एक बटे चार, एक बटे सात, यही तो किया जाता है। एक संख्या सोचिए जो तीनों से कट जाए, एलसीएम हो जाए, चार तीन बारह सत्तर चौरासी,
मल्टीप्लाई कर दिया। तीन से भाग करिए, तीन दोना छह, तीन अठे चौबीस। चार से भाग करिए, चार दोना आठ, चार इक्के चार। सात से भाग करिए, सात इक्के सात, सात दोना चौदह। इन तीनों का रिलेशन हुआ अट्ठाईस, इक्कीस और चौदह। अट्ठाईस, इक्कीस, चौदह, मतलब हमें माना गया, हम मान लिए कि ए का हिस्सा यदि अट्ठाईस है तो बी का इक्कीस है और सी का चौदह है, और बांटना कितना है 427 को। तो आप इन सभी पदों को जोड़ दीजिए। अगर कभी भी, मैंने कल भी आपको बताया था, जब अगर तीन पदों का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में करना है तो अनुपाती पदों को जोड़ा करिए, जोड़िए 20 20 40 10 50, 50 8 4 12 60, 2 62 1 63 होगा। कितना होगा एक बार फिर से देखिए, हमारे पास 28 21 और 12 है ना, हम 14 लिख रहे हैं, गलत है। 20 20 40 10 50 10 60 1 61 होगा। कितना होगा 61 होगा। आई बात समझ में? हाँ, मैंने गलती कर दी वहां पर। कितना होगा 61 होगा। अब हम इस 61 का कंपैरिजन किससे कर दें, 427 से कर दें। निकालना किसका हिस्सा है, सी का, जो कि कितना है 12 है। 61 सात बार जाएगा, सात एक के साथ, सात चंगे 42, 12 सत्ते 84 होगा। 84 इसका राइट सोल्यूशन होगा, सी का हिस्सा आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। आप फोकस्ड रहिए, समझिए चीजों को, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्लीज इसका भी आंसर बता दो। कल मैंने होमवर्क में दिया ही था। मैं सोच रहा हूँ कि दो तीन चीजें जो बची हैं इसको कवर कर दें और इसके बाद क्लास क्लोज कर दें। तो अगली क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, और यहां तक की पीडीएफ और प्रैक्टिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप यहां तक पूरा सोल्यूशन करिए, समझिए। 76 को 7534 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग बताना है। हमारे पास एक अमाउंट है, दैट इज 76। उसको मुझे डिवाइड करना है 7534 इस रेशियो में, और वी नीड टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा मान निकालना है। कौन बता दिया? सबने बता दिया। मैं देख रहा हूं जितने लोग रिएक्टिव हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सब बता दें। अनुपाती पदों को जोड़िए, 7 5 12 3 15 4 19, 19 बराबर 76 कर दो, 19 बराबर 76 कर दो। किसका सबसे छोटा बताना है, तीन, तीन, 19 चौके 76, 4 × 3 = 12। सबसे बड़ा बता दो भाई, हमें कमेंट कर दीजिए। सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा कमेंट करिए प्लीज, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। अमाउंट बताइए, 19 का मान आपका 76 है, ठीक। एक का मान क्या होगा, 4 होगा। सबसे छोटा 3 दिख रहा था, 3 = 12 हुआ। सबसे बड़ा कौन बता रहा है? मैंने कहा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर बता दें। सबसे बड़ा कौन है, 7, सबसे छोटा कौन है, 3, कितना है बोलो, 4। डिफरेंस कितना है, 4। मैंने कहा सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर बता दें। यस, तो मैंने कहा 19 बराबर 76 था, 1 = 4 था, तो अंतर कितना है भैया, अंतर है 4। तो 4 = बोलो क्या होगा, 16 होगा। ये अंतर आया, ये सबसे लार्जेस्ट आया, सबसे बड़ा आया, सबसे स्मॉलेस्ट मैंने आपको पहले से बता दिया, जो कि आपके प्रश्न का हल था। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग रिस्पॉन्स करिए, बहुत अच्छे से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। 700 रुपए हैं, ए बी और सी को इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी के आधे मिलते हैं। ए को बी का आधा मिलता है, ए बराबर बी बाई टू, और बी को सी का आधा मिलता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को तो देखो, करने को तो हम इजिली करा दें, लेकिन क्योंकि यह तीन के रिलेशन का है, और तीन का रिलेशन जो है आपको बनाना भी मैंने बताया नहीं है। जैसे हम ए को बी से रिलेट करें, बी को सी से रिलेट करें, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, आप इसको इधर लाइए तो ए और बी का अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा। इसको इधर लाए तो बी और सी का अनुपात भी 1:2 होगा। इसको प्रेजेंट करने का एक आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, बाकी मैं कल इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ए है, बी है, सी है, जब तक हम तीनों का रिलेशन नहीं डिफाइन कर देंगे तब तक कहां से कर पाएंगे। ए और बी का अनुपात 1:2 है, बी और सी का भी भाई 1:2 है। तीनों का अनुपात निकालने के लिए बेटा एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप जैसे जो देखो फिलर है कर दीजिए, 1 2 है तो 2 ही भर दीजिए, इधर देखो 1 2 है तो 1 भर दीजिए, इसका इसका गुणा करें 1, इसका गुणा करें 2, इसका गुणा करें 4 होगा। अर्थात 1 2 और 4 का अनुपात होगा, क्या होगा, 1 2 4। अब देखिए हमारे पास कितना हो गया, अनुपाती पदों को जोड़े 4 2 6 7। 7 का मान 700 है, हिस्सा किसका पूछा, सी का। सी का मान भैया कितना है, 4। 4 = बोलो क्या होगा, 400 आया था ना कि, 400 करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। यस,
जी 400 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न और यही लास्ट प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं आज की क्लास का। 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांट रहा है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है बी का जो भाग है वो ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। मतलब मेरा ये बताना है कि अगर हम लोग यहाँ पर जो बी का भाग है ए और सी के भाग का 3/11 है, तो यह भाग हो गया बी का और यह भाग हो गया ए और सी का। लिखा है ना, जो बी का भाग है वह ए और सी के भाग का 3/11 है। इसका मतलब यह बी का हो गया, यह ए और सी का हो गया। एक प्रकार से तीनों के बीच अनुपात होता है और अनुपाती पदों को जोड़कर कंपेयर किया जाता है। तो यहां पर अगर अनुपाती पदों को जोड़ना है तो बी का हिस्सा 3 है और ए और सी का हिस्सा 11 है, 11 3 कर दो 14 है। 14 की तुलना आप किससे कर दो, 1540 से। 14 1 के 14 जीरो। बी का हिस्सा पूछा जिसका मान 3 है, 3 = 330 है। अच्छा क्वेश्चन है, 330 जितने लोगों ने बताया है परफेक्टली सही है। तो ये मैं आज पहला, इसका पहला ऑप्शन होगा 330 राइट सोल्यूशन होगा, करेक्ट है 330 होगा। ध्यान से देखिए कैसे किया, बी का जो हिस्सा है ए और सी के हिस्से के कुल भाग का 3/11 है, तो बी बराबर 3 होगा और सी बराबर 11 होगा। ए और सी तीनों को, दोनों को जोड़िए, ए बी सी मतलब 14 हो गया। 14 = 1540, 14 1 के 14 जीरो। इस हिसाब से 3 का मान 330 है, तो बी का हिस्सा आ गया। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं यहीं पर आज की क्लास क्लोज करूंगा। अगली जो क्लास होगी वो कॉम्बिनेशन की होगी, मतलब दो नहीं 3 पद होंगे, 4 पद होंगे, 5 पद होंगे, आपस में उनके रिलेशंस होंगे और एक अच्छा ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट होगा। मैं इसके साथ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग इस क्लास को अच्छे से करा करें तो सजेशन जरूर दिया करें, वीडियो के नीचे कमेंट किया करें कि हाँ जो चीजें आपको समझ में आई नहीं आई, क्या उम्मीद करते हैं, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, प्लीज बताया करिए। और उस समस्या को हम अगर क्लियर बताएं तो हम उसके निराकरण करेंगे, 100% करेंगे, हटा के नहीं। आप लोगों को भी कोई दिक्कत रहे, कोई चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, वीडियो के नीचे जरूर बताया करिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की मैं कंटिन्यू शुरुआत करूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुभरात्रि।